सुजानपुर टिहरा में उपमंडल अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रवासी मजदूरों का खाका कार्यालय में मिल चुका है। जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है उन लोगों को समय पूरा होने के बाद राशन दिया जा रहा है। यदि राशन समय पर ना मिले तो उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में फोन के माध्यम से सूचना दे सकते हैं ताकि लोगों को समय पर राशन मिल सके। तैयार किया गया है, लिस्ट के अनुसार हम लोगों को राशन आवंटित कर रहे हैं। राशन के साथ ही एक तरह से राहत लोगों को प्रदान की जा रही है। जिन लोगों के पीडीएस के राशन कार्ड नहीं है, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, प्रवासी हैं, जिनको राशन की अति आवश्यकता है, उनको हम राशन दे रहे हैं। पिछले कल ये पाया गया था कि एक जगह फॉल्स वार्निंग दी गई थी कि राशन खत्म हो गया है। मौके पर जब हम गए तो हमारी टीम ने पाया कि वहां पे प्रचुर मात्रा में राशन मौजूद था। इस तरह के जो फॉल्स क्लेम लोग करते हैं उनके तहत हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाएंगे और उसमें सजा का प्रावधान है, 2 साल की जेल तक हो सकती है। अनुरोध यही रहेगा कि जब तक आपके पास राशन है आप आराम से उसका प्रयोग करें। हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट के अनुसार हम दूसरी बारी भी राशन आवंटित कर रहे हैं। पर पाया गया है कि जो राशन कार्ड उपभोक्ता हैं वो भी उपमंडल कार्यालय के दस्तक देते नजर आ रहे हैं और खाली हाथों, उनके पर क्या संदेश उपमंडल अधिकारी होने के नाते आप देंगे? ये बिल्कुल ही साफ है कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको पीडीएस का राशन मिलेगा। बेवजह वो यहाँ पे दरख्वास्त ना लाएं और जनता से ये अनुरोध जरूर रहेगा कि अगर उनके पड़ोस में कोई गरीब व्यक्ति है, दिहाड़ीदार है, जिसको राशन की आवश्यकता है, सबसे पहले आप अपने स्तर पे उनकी मदद जरूर करें। यदि आपसे नहीं हो पाती है तो हमारा लैंडलाइन नंबर है 273100, उस पे हमें तुरंत सूचित करें। धन्यवाद।